1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल चैन को बिल्ड करेगा। ये कहानी है द ओबेरॉय होटल्स की। साल 1898 अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब प्रोविंस में जन्म होता है मोहन सिंह ओबेरॉय का। वो केवल 6 महीने के थे जब एक एपिडेमिक में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, लेकिन इसके बाद भी मोहन की मदर ने एंसुर किया कि उन्हें एजुकेशन मिले। 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज एजुकेशन के लिए लाहौर जाके डीएवी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, और वहां उनकी लाइफ में 2 खास चीजें हुई। पहला, उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखा, और दूसरा, उन्हें शू फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। देखते ही देखते उन्होंने डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेसर को डीपली समझ लिया। वो एक नॉर्मल वर्कर से पहले सुपरवाइजर बने और फिर फुल टाइम मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए। गरीबी से उठकर आए मोहन को लगने लगा था कि उनकी लाइफ अब सेटल हो चुकी है। किताब की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1919 में पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए, जिस कारण कई बिजनेसेस को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। कुछ सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 1922 में शू फैक्ट्री भी बंद हो गई और रातों रात मोहन अनएम्प्लॉयड हो गए। कोइंसिडेंटली इसी दौरान मोहन की ईश्वरन देवी से शादी हो जाती है और उनकी एक न्यूबॉर्न बेटी भी रहती है। इसीलिए मोहन डेस्पेरेटली काम ढूंढ रहे थे, और तभी उन्होंने एक ऐसे शहर जाने का फैसला किया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था, और वो शहर था शिमला। गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, जिस कारण यहाँ है रैंकिंग ऑफिशियल और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था, और इसीलिए ये काम ढूंढने के लिए एक परफेक्ट शहर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहन शिमला में अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। वो डिसअपॉइंटमेंट में चलते जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने आप को एक आलीशान बिल्डिंग के सामने पाया। वो शिमला के सबसे पॉपुलर होटल दी होटल आ पहुंचे थे। उन्होंने वहां के हाई प्रोफाइल गेस्ट और टॉप नोट स्टाफ को देखा, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक शिमला नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सिसल में जॉब ना मिल जाए। गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंटली अंदर जाने लगे, लेकिन के गार्ड ने उनकी अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। पर मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने होटल के बाहर तब तक वेट किया जब तक होटल के मैनेजर बाहर नहीं आए। मैनेजर के आते ही मोहन कॉन्फिडेंटली उनके पास गए और कहा, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब सर, डू यू ही नव ए वैकेंसी एट द मोहन। की इंग्लिश सुनकर मैनेजर काफी इंप्रेस हुए, और अगले ही दिन उन्हें दी सिसल होटल में 50 रुपए पर मंथ की सैलरी पे क्लर्क की नौकरी मिल गई। सिसिल में उनकी मेन रिस्पांसिबिलिटी थी कोल की सप्लाई और स्टॉक मैनेज करना। जल्द ही उन्हें आइडिया आया कि कोल्ड डस्ट बॉल्स यूज करके होटल का बहुत पैसा बच सकता है। ये बॉल्स न केवल सस्ती है, बल्कि ये अपनी स्लो बर्निंग के कारण रात भर बॉयलर्स को चालू रख सकती है, और सुबह बस थोड़ी सी नॉर्मल कोल ऐड करके पानी जल्दी गर्म हो सकता है। उन्होंने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया और होटल का बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा मोहन को टाइपिंग और शॉर्ट हैंडराइटिंग भी आती थी, इसीलिए जल्द ही उन्होंने मैनेजर को डॉक्यूमेंटेशन और लेटर्स में असिस्ट करना चालू कर दिया। यह सब देखकर मैनेजर ने उन्हें प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया और सैलरी भी बढ़ा दी। सेसिल होटल में यूजुअली केवल वीआईपी गेस्ट आते थे, और मोहन एंड गेस्ट्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को डीपली ऑब्जर्व करते थे। साथ ही साथ उन्होंने खुद से ही कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी, जिस कारण उन्हें गेस्ट से पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। इन सब के कारण 1925 तक वो ना केवल वीआईपी गेस्ट से डील करने में एक्सपर्ट बन चुके थे, बल्कि उनमें होटल के सभी ऑपरेशन की गहरी समझ आ चुकी थी। इसी बीच सेसल के मैनेजर ने अपना खुद का होटल खरीदने का फैसला किया। उन्होंने शिमला में ही 50 कमरों का कार्टन होटल खरीद लिया।
मैनेजर का नाम क्लार्क था, इसीलिए उन्होंने होटल का नाम बदलकर क्लार्क होटल रख दिया। उन्हें पता था कि मोहन को होटल इंडस्ट्री की एक्सेप्शनल समझ आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने मोहन को क्लार्क्स होटल ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन एक क्लर्क की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह। मोहन को अब क्लार्क होटल के प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा मिलने वाला था। पार्टनर बनते ही होटल की पूरी रिस्पांसिबिलिटी मोहन पे आ चुकी थी, और ऐसा होते ही उन्होंने क्लार्क होटल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने तुरंत होटल को रेनोवेट किया, खास तौर पे बार को अपग्रेड किया, जिससे वहां यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आने लगे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर से पर्सनली कनेक्ट करके उन्हें अपने नए होटल में इनवाइट किया, और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर की उनकी वाइफ ईश्वरन देवी ने एंसुर किया कि वो होटल की हर सप्लाईज को खुद मार्केट में जाकर लाए, ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन सब के चलते कुछ ही महीनों में क्लार्क होटल की ऑक्यूपेंसी डबल होकर 80% तक पहुंच गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ये पूरा होटल उनके हाथ से एक झटके में छिन सकता था। क्लार्क की वाइफ काफी बीमार पड़ जाती है, और क्लार्क डिसाइड करते हैं कि वो होटल को ₹20,000 में बेच के इंग्लैंड लौट जाएंगे। मोहन काफी डिसअपॉइंटेड थे, इतनी मेहनत के बाद भी अब इस होटल का फी